खबर यूपी के बलिया से है, जहां बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने मौत की नींद सो चुके कानपुर के कुख्यात अपराधी की मौत पर दुख जताया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि अगर विकास दुबे जिंदा होता तो सपा बसपा का राज खुलता। सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर राजनीतिक प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए, अगर विकास दुबे जिंदा होता तो इनका राज खुलता, हमारा क्या खुलता। वहीं कानपुर में विकास दुबे के द्वारा पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या पर सपा बसपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षियों के द्वारा प्रायोजित घटना को अंजाम दिया गया, विपक्षी दल सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इटावा और मैनपुरी में सरकार चलती थी, ऐसे लोग भी यदि प्रशासन और हमारी सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उनको कम से कम अपने गिरेबान को झांकना चाहिए। जब पैरेलल सरकार चलती थी, वसूली होती थी और रंगदारी टैक्स वसूला जाता था, कौन सा ऐसा महीना और कौन सा ऐसा दिन होता था जिस दिन जो है व्यापारियों का अपहरण और व्यापारियों पर गोली नहीं चलती थी। लेकिन आज गोली चलाने वाले खुद जो है गोली के डर से जेल में कैद किए हैं, और नहीं तो अपना राम राम सत्य की तैयारी कर रहे हैं, राम नाम सत्य की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इस क्षेत्र में तो हमारी सरकार को अब कहना ही नहीं, ये कैजुअलिटी है। हमारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से ही विकास दुबे ने ऐसा घटना अंजाम दिया है। जब राजनाथ सिंह जी की सरकार थी उस समय बदनाम करने की नीयत से किया था, थाने में हत्या कर दिया था। तो आप कल्पना करिए कि सरकार को बदनाम करने के लिए ही और प्लानिंग के तहत ही विपक्षियों ने योजना बना करके सरकार को बदनाम करने की नीयत से उसको उकसाया था और इस घटना को अंजाम दिलवाया। और यह तो संजोग की बात है कि पुलिस ने जो है जैसा किया था वैसा पाया, नहीं तो वास्तव में यदि होता तो तमाम सपाइयों के संरक्षण जो पाए थे उसका राज खोलता। हम लोगों को, मेरे जैसे आदमी को तो खुद इस पर दुख है कि चूंकि रिवाल्वर छीन करके भागने लगा तो स्वाभाविक है कि पुलिस मारेगी, नहीं तो जीवित रहता तो इनका राज खुलता, हम लोग का क्या राज खुलता। कोई भी भाजपा का ऐसा नेता नहीं है, कोई भी भाजपा का ऐसा नेता है मेरे भाई जो गुंडा और मवाली से संपर्क रखता हो। और योगी जी के राज में तो अपराधी को या तो जेल नहीं तो भगवान का दरबार, दो ही रास्ता है। और मुझे खुशी है कि प्रदेश में पहला बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिला है जो अपराधियों के हौसले को तोड़ दिया है। अपराधी डर रहे हैं, अपराधी अपराध करने में डर रहे हैं। अब अंतिम था वो चिराग, एक तरह से जो अपराध जगत का जो अंतिम स्वरूप मान लीजिए तो विकास दुबे था, वो भी प्रायोजित था सपा बसपा। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।